My name is Ankita Mishra and I got 105 rank this year in the civil services exam. So I would like to share what all I tried, what worked, what didn't work. Though I'm not aware what worked, what didn't, because the marks are not yet out. So we try a number of things and we actually don't know what clicked in the examination. So whatever I'm going to tell right now, I suppose those things worked for me, though I'm not sure for certain. And it might be different for different people, but for me what worked, I'll tell that. So I feel this exams, first of all we'll get on to the psychological level. Wo preparation wagaira to ho jati hai, but mind ko kaise kya rehna chahiye wo most important hai mere hisab se. So wo ye hai ki one thing, hard work would be there, conviction should be there, it has to be there, because aur koi alternative nahi hai. I don't know any of my friends who have cleared aur unhone mehnat na ki ho, to pehle hi clear hoga ki mehnat to karni padegi. Dusra ye hai ki patience bhi rakhna padega, because some people they get lucky, ho jata hai first attempt mein, but not necessarily sabka ho. And being here in Rajendra Nagar, I've seen people 5 attempt ja rahe, 6 attempt ja rahe, so patience is very important. थर्ड ये है कि कंसिस्टेंसी कैसे आए. कंसिस्टेंसी ये सारे जो ये आप कितने टाइम होते हैं कि आप डीमोटिवेटेड होते हो, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, फैमिलियल प्रेशर्स होते हैं, यू सी योर फ्रेंड्स अर्निंग अपना प्राइवेट कंपनी में, सबके पास पैसे आ रहे हैं, आप अभी भी फैमिली पे डिपेंडेंट हो, सो ऑल दीज थिंग्स वुड कम इन द माइंड. तो कैसे इसको भी छोड़ के आगे बढ़ना है, ये भी सोचना है कि एक दिन होगा. देन ये सब अगर आपने कर लिया तो इट इज़ वेरी मच अचीवेबल इन माई ओपिनियन. अचीवेबल है, बस प्रोवाइडेड प्रॉब्लम क्या होती है ना, डायरेक्शन नहीं होता. तो 1-2 साल तो हम ऐसे घूमने फिरने में लग जाते हैं कि क्या पढ़ें. सो मच मटीरियल इज देयर इन द मार्केट, जो कोई बताता है हम सुन लेते हैं. कोई अभी आज मैं जा रही हूँ, इफ़ यू ऑल गो देन आपको लगेगा कि हाँ ये मैम ने ये बोला था तो आई हैव टू फॉलो दैट. समटाइम्स दैट हैपन्स. तो वी गेट सो मच पम्प्ड अपना सबको फॉलो करने के चक्कर में कि अल्टीमेटली कुछ हो ही नहीं पाता और हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आते. सो यू नीड टू हैव अ डायरेक्शन, you need to have a strategy, and that strategy should be your own, it cannot be somebody else's. So aap sab kisi aur ke se idea le sakte ho, but apni khud ki banani hai. So I'll start with prelims. Prelims ke liye I feel ki mere pehle attempt I could not clear prelims, reason being ki mujhe kuch idea nahi tha. Maine waji naam se classes ki thi, test series maine diye nahi the zyada, aur करंट पे मैंने फोकस ही नहीं किया. मुझे लगा करंट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आएगा, चार मतलब ऑप्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ मार्क कर ही लूँगी, बट इट इज़ नॉट दैट वेज. सो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि करंट माइट बी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो वाला साल 2015 के साल में करंट अफेयर्स काफ़ी आए हुए थे और मैंने नहीं किया था, एंड सेकेंड टेस्ट सीरीज भी नहीं किया था. तो तब मुझे वैल्यू समझ आई टेस्ट सीरीज़ की. सो नेक्स्ट टाइम जब मेरा हुआ 2016 वाला अटैम्प्ट, सो आई स्कोर्ड 139 पॉइंट समथिंग, सो विच वॉज क्वाइट गुड वो साल के हिसाब से, बिकॉज मैंने टेस्ट सीरीज पे बहुत 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 ज़्यादा फोकस किया था, अलॉट. तो उससे क्या हुआ था कि मुझे ये पता लग गया था कि वॉट इज़ द ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट आई शुड अटैम्प्ट. और ये सबका डिफरेंट होता है. यू शुड नो कि तुम्हारा गेस वर्क कितना अच्छा है, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आपको सारे क्वेश्चन आएंगे. मुश्किल से 50 होंगे या 57 क्वेश्चन होंगे जो आपको एकदम आते होंगे श्योर शॉट. उसके आगे गेस वर्क है. सो इसमें 2 तरीके के गेस वर्क होते हैं. एक तो इंटेलिजेंट गेस वर्क होता है जहाँ पे आप एलिमिनेशन से करते हो, और एक इंट्यूशनल गेस वर्क होता है. सो जो इंट्यूशन वाला गेस वर्क होता है दैट माइट नॉट वर्क फॉर एवरीबडी. सो ये चीज़ आपको पता लगती है आपके टेस्ट सीरीज से कि आप कितने गेस वर्क कर सकते हो. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेरे लिए थ्रेशोल्ड 90 था, तो मैं हमेशा 90 प्लस अटेम्प्ट करती थी. रियल एग्जाम में 94 किए थे और हमेशा 90 प्लस अगर मैंने किया तो मतलब मेरे सेफ मार्क्स आ रहे, ऐसा था. सो फॉर सम पीपल ये बेंच मार्क अलग अलग हो सकता है, बट आई फील कि 85 प्लस करना चाहिए, मतलब 85 तक तो कर ही लो. वैसे भी आउट हो रहे हो, ऐसे भी आउट हो गए, तो इट्स बेटर 85 प्लस कर लो. अब आई डोंट नो, यू फाइंड इट आउट थ्रू योर टेस्ट सीरीज जो आप कर रहे हो. नेक्स्ट प्रिलिम्स तो ऐसे ही है, एंड आई थिंक आपको 2-3 महीने चाहिए प्रिलिम्स की प्रिपरेशन के लिए. सो ये मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में सीखा कि मैंने पूरा जान प्रिलिम्स में झोंक दिया था. आई कुड नेवर इमेजिन कि मेन्स नाम की भी कोई चीज़ होती है. सो आई डिड नॉट डू दैट इंटीरियर. पहला प्रिलिम्स नहीं क्लियर हुआ तो आपका फोकस प्रिलिम्स हो जाता है कि ना अभी प्रिलिम्स करना है, सो यू फॉरगेट मेन्स इज ऑल्सो देयर. सो व्हेन आई क्लियर प्रिलिम्स देन आई रियलाइज ओ गॉड अभी मेन्स आ गया है, अभी 4 महीने बाकी हैं.
सो मीन्स कि मेरी उतनी प्रेपरेशन सॉलिड नहीं हो पाई. तो जीएस एंड ऑल की वाइल इट वाज सॉलिड बिकॉज वो प्रीलिम्स से होता है, बट मैंने आंसर राइटिंग उतने प्रैक्टिस नहीं किए जितने मुझे करने चाहिए थे. तो वो आपको बहुत ज़रूरी है कि आई रियलाइज कि मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई पर्सनली हैज बीन अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जो लिखने में बिलीव नहीं करता था. आई मीन आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो मैं हमेशा पॉइंट्स में लिखना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं और लगता है कि सब दिमाग में है. और हमेशा ऐसा होता है कि लगता है जब रीड करो ना तो लगता है ये तो आता है, ये भी आता है. इट्स ओनली व्हेन यू राइट दैट यू रियलाइज कि अच्छा वो लगता था आता है बट एक्चुअली आपको लिखना नहीं आता है. एंड प्लस टाइम के कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ों को कैसे वर्कआउट करें ये सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस से आ सकता है. तो जब मैंने सेकेंड टाइम मेन्स लिखा तो माई एसे माई जी एस वॉज प्रिटी डिसेंट. आई गॉट 153 इन एसे विच वॉज ओके. जी एस ऑल्सो वॉज गुड, आई गॉट 390. बट माई ऑप्शनल I don't know what I did my optional. I made a huge mistake. May I attempt nahi kar pai, and that too because of time constraint. Time constraint in the sense ki mera time management bahut poor tha. I started with 10 markers, unme extra time dene lagi. Jab tak sectional aaye tab tak time khatam ho gaya. Fir paper 1 to aise kharab hua. Paper 2 mein paper 1 ke liye rone mein time waste ho gaya. कि ओ गॉड पेपर वन चला गया अब तो नहीं कुछ हो पाएगा. सो आई वेंट पेपर टू में, जब मैं गई ना तो मैं इतने नेगेटिव इमोशंस के साथ गई थी कि पेपर टू तो चौपट होना ही था. सो दैट वाज डिसाइडेड. सो आई वुड से अगर कोई एक पेपर ख़राब होता है तो डोंट क्राई, सेकंड डे के आ जाओ, सब कुछ खत्म हो जाए. जब ये पूरे 9 के 9 पेपर्स ख़त्म हो जाए तब घर आके रो. टिल देन बी इन दैट मोड कि नहीं यू स्टिल हैव द टाइम कि आप वर्क कर सकते हो. सो दैट इज़ वन थिंग. आंसर राइटिंग में बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली आंसर राइटिंग ने बहुत हेल्प किया. सो जब नेक्स्ट अटेम्प्ट, जो ये वाला करंट अटेम्प्ट मैंने 2017 दिया, तो जैसे ही मेरा मेंस खत्म हुआ आई न्यू कि मेरा अभी होना नहीं है क्योंकि मैंने एंथ्रो बहुत अच्छे से स्पॉइल किया था. आई लेफ्ट क्लोज टू 160 मार्क्स. सो 160 अगर आपका छूट जाए तो बहुत कम, मतलब भगवान जी की दया हो तो ही, मतलब आप तुक्के से अंदर पहुँच गए, पहुँचे भी तो बहुत ही घटिया रैंक आएगी. तो ऐसा था, तो आई वॉज क्लियर कि नहीं होना है. तो आई हैड वन एंटायर ईयर sort of thing. तो I started पहले से ही, मैंने सबसे पहले GS Core की टेस्ट सीरीज लगाई थी यहाँ पे मेन्स के लिए, तभी जैन में ही लगा ली थी. एंड आई स्टार्टेड राइटिंग रेगुलरली. इसके अलावा मैं बाबा के 5 क्वेश्चंस लिखती थी एवरी डे. एवरी डे मतलब नॉट अ सिंगल डे वुड गो बाय जब ना लिखें. तो इससे मैंने, आपको पहले दिन लगेगा शिट आई डोंट नो एनीथिंग, बिकॉज मेरे साथ भी ऐसे होता था कि जब लिखने बैठो तो कुछ आ ही नहीं रहा क्योंकि आपने प्रिपेयर नहीं किया ना, पढ़ के तुरंत बाबा तो लिख नहीं रहे हो. बट एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन जब बीतते ना, देन यू रियलाइज कि आप दुनिया के कोई भी आंसर क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, बट बस प्रैक्टिस होनी चाहिए. सो वो मैंने करना शुरू किया. इसके बाद प्रीलिम्स के 2 महीने पहले मैंने फिर मेंस से थोड़ा कट ऑफ किया एंड देन आई स्टार्टेड इंटेंसिव प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स. उसमें सेम था, वही मैंने ढेर सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए, ये सारा सब कुछ किया. एंड इस बार का प्रीलिम्स थोड़ा ट्रिकी भी था, ऐसा लग रहा था मुझे, तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरा क्लियर ही नहीं होगा. आई डोंट नो मैं कितने से बची, बट मुझे एकदम ऐसे था कि अब नहीं होगा. ऐसे में आपके फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते हैं. एक्चुअली विद मी आई हैव ऑलवेज बीन अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जो स्टडी पार्टनर के साथ ही स्टडी कर सकता है. तो एंड ये भी डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होगा, कई लोग अकेले पढ़ने में बिलीव करते हैं, कई लोग साथ में. तो मैं एक स्टडी पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ पढ़ती थी. एंड यू हैव टू मेक श्योर इफ़ यू आर चूजिंग अ स्टडी पार्टनर तो ऐसा रहे कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, वरना टाइम बचने की बजाय टाइम वेस्ट हो जाता है. सो स्टडी पार्टनर से क्या होता है, डिसिप्लिन आता है. तो जैसे मैं आपको अभी बता रही थी कि प्रीलिम्स के बाद मुझे लगा मुझे नहीं होगा, बट मेरे फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं यार अभी करना है, तू छोड़, जब रिजल्ट आएगा आएगा, अभी तो मेंस के लिए पढ़ो, बिकॉज अभी टाइम अगर चला गया, रिजल्ट आया, मान लो हो गया, तब क्या करोगी. सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस प्रीलिम्स के बाद. मेंस का वही था मेरा, बाबा एवरी डे, टेस्ट सीरीज जो लगाई थी वो टेस्ट सीरीज करनी थी. एंथ्रो पे इस बार मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, बहुत ही ज़्यादा. सो एंथ्रो का क्या होता था कि जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा है, अगर जिस दिन पढ़ा है उस दिन मैं 5 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस, 2 ही लिखूं, लेकिन मैं लिख लेती थी. इससे क्या होता था कि हम पढ़ते तो बहुत कुछ हैं बट कभी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ते नहीं हैं, तो हमें समझ नहीं आता व्हाट टू राइट. एंड देयर इज आल्सो लिमिटेशन ऑफ वर्ड, देयर इज आल्सो लिमिटेशन ऑफ टाइम, बट हाउ वुड यू अंडरस्टैंड कि कितना लिखना है, क्या लिखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल फेच यू मार्क्स. सो क्या होता है, जनरली व्हेन वी डोंट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग तो हम लिखते रहते हैं, हमारा पूरा खत्म हो जाता है और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख ही नहीं पाते जो सबसे इंपॉर्टेंट है. सो दैट यू कम टू नो थ्रू प्रैक्टिस. सो मैंने एंथ्रो पे काफ़ी प्रैक्टिस की इस बारी, ये आंसर राइटिंग भी किया, बार बार रिवाइज भी किया.
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने की थी वो कंसोलिडेट किया एंथ्रो का मटेरियल. सो यूजुअली क्या होता है कि आपकी एक बुक में कुछ चीज़ें लिखी हैं, एक बुक में कुछ चीज़ें लिखी हैं, कहीं कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, यू डोंट कंसोलिडेट देम. सो मेक योर ओन नोट्स. सो दैट क्या होता है, जब ये एग्जाम होता है फाइनल वाला मेंस का, तो आप एक दिन पहले रिवाइज कर सकते हो. अगर 10 जगह चीज़ें होती है ना, तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे. और फिर एक कंसोलिडेशन से क्या होता है, पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी वर्क करती है कि आपको याद रहेगा कि हाँ ये यहाँ था, ये ऐसे था. सो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए. सो दैट वर्क फॉर मी. एंड आई ऑल्सो मेड नोट्स ऑफ करेंट. सो जो भी इम्पॉर्टेंट इशूज़ हुए थे जी एस में, उसका मैंने अपनी एक कॉपी बना ली थी कि बस मुझे जी एस वन में इस कॉपी को उस दिन एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना है. छोटी सी कॉपी है, ज़्यादा इशूज़ होते नहीं है, उसी में से आता है, वही उतना करना होता है. तो पेपर वन के लिए, जी एस के लिए मैं बोलूँगी कि मैंने इनसाइट सिक्योर किया था, क्योंकि स्टैटिक तो कुछ आता नहीं और स्टैटिक स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ने का कोई फ़ायदा इतना होता नहीं है. तो अगर पढ़ना है तो लास्ट का जो समरी दिया रहता है स्पेक्ट्रम के पीछे, वो कर सकते हैं. डाटा आई डिड स्पेक्ट्रम के पीछे वाली समरी जितनी थी, तो वो ब्रश अप हो ही जाता है. और प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ा ही है इतना अच्छे से. सो इसके अलावा इनसाइट सिक्योर के जो क्वेश्चंस हैं, यू जस्ट गो थ्रू देम, या तो उसके आंसर्स लिख लो या खुद उसमें जो आंसर्स आए हैं उसको एक बार जस्ट गो थ्रू देम, सो दैट आपका माइंड फ्रेम ऐसा हो जाए कि जैसे अलग अलग टाइप के हिस्ट्री के भी क्वेश्चन ना बहुत एनालिसिस वाले आते हैं कि नेहरू को कंपेयर करो गांधी से, या इसको ऐसे करो वल्लभ भाई पटेल का, ऐसा कुछ आता है. सो दो आपको आता है, बट यू नो हाउ टू, यू लर्न हाउ टू आंसर. सो ये चीज़ हो जाती है उससे. तो वो मैंने किया था. पेपर टू के लिए कुछ खास नहीं, सिर्फ करंट किया था मैंने. बाकी स्टैटिक तो मैंने नहीं, लक्ष्मीकांत वापस नहीं उठाई थी, जो प्रिलिम्स के लिए था वही था. बाकी मैंने करंट किया था, IR भी करंट ही किया था. बाकी इसके अलावा जितना भी है अभी, मतलब GS के लिए मेनली मैं करंट पे फोकस थी, बिकॉज कोई भी बुकलेट उठा लो उसमें पूरा बैकग्राउंड दिया रहता है, तो स्टैटिक भी उसमें कवर हो ही जाता है एक तरीके से. सो दैट आई डिड. इसके अलावा एथिक्स के लिए पर्टिकुलरली आई वुड से कि दो नोबडी वुड बिलीव, बट मैंने कभी एथिक्स की पढ़ाई नहीं की. कोई नोट्स नहीं, कोई लेक्सिकॉन नहीं, नथिंग, नेवर स्टडीड. कोई जो सिलेबस पे जो टॉपिक्स है उनको गूगल कर लो, रैंडम स्टडीज गूगल कर लो, व्हाट इट मीन्स टू यू बेसिकली. बिकॉज मुझे ना वो बहुत डिफिकल्ट लगता था टू मेमोराइज दोज जार्गन्स, वो टेक्निकल वर्ड्स वाले. सो आई यूज टू मेक माई ओन डेफिनेशन. कई लोग फ्रेंड्स भी बोलते थे कि पढ़ लें, बट दैट वॉज नॉट माई थिंग. आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू, सो आई नेवर डिड दैट. तो आप अपनी ही डेफिनेशन बनाइए. आई थिंक वो एग्जामिनर को ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज वो एक लेमन टर्म्स की बात अलग ही होती है व्हेन यू राइट. मतलब आई पर्सनली वैल्यू नेचुरल वे ऑफ राइटिंग अलॉट, सो आई यूज टू डू दैट. अदर देन दैट, दिस टाइम व्हाट आई डिड डिफरेंट इन एथिक्स वॉज केस स्टडीज. सो यूजली क्या होता है, 10 मार्कर्स में हम कुछ मैंशन नहीं करते, एकदम ड्राई सा आंसर लिख देते हैं. सो इफ़ पॉसिबल ट्राई एंड मैंशन सम केस स्टडीज, कुछ भी एग्जाम्पल, छोटा सा कोई ऑफिसर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, या आपका कोई रिलेटिव है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप जानते हो, आप जस्ट मैंशन इट. एक एक्स फैक्टर हो जाता है, बिकॉज सब वही लिख रहे हैं, कुछ डिफरेंट हो जाएगा आपका ऐसे. एंड इसके लिए क्या करना होगा कि आप A4 शीट्स लेके आओ, एंड जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं एथिक्स की, वो सारे टर्म्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल बना के अपने वो A4 शीट में लिख के रख लो. एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखने हैं. कभी करंट में आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कुछ ऐसा एग्जाम्पल आपका लगा कि अरे वाह ये तो कितना अच्छा काम कर रहा है, तो उसका एक छोटा सा लिख लो. दो दो एग्जाम्पल हर टर्म से रिलेटेड, जैसे लीडरशिप से रिलेटेड दो एग्जाम्पल, देन ऑनेस्टी से रिलेटेड दो एग्जाम्पल, ऐसा करके अपना बना के रखें और एग्जाम के पहले जस्ट वो रीड करके जाएँ. सो दैट विल वर्क आई सपोज, इन माई ओपिनियन. इसके बाद एंथ्रो में व्हाट डिफरेंट आई डिड वाज, वन वाज कंसोलिडेशन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल डोंट हैव कंसोलिडेटेड नोट्स, बट ट्रस्ट मी, इफ यू हैव कंसोलिडेटेड नोट्स यू आर थ्रू विद एंथ्रो. सेकेंड थिंग दैट आई ट्राइड इन एंथ्रो वाज कि पेपर वन को पेपर टू से रिलेट कैसे करना, और पेपर टू को पेपर वन से कैसे रिलेट करना है. सो पेपर वन में आई ट्राइड एंड गेव एग्जाम्पल्स फ्रॉम पेपर टू, ट्राइबल वाले सेक्शन से या कहीं ना कहीं आई यूज टू पुट दैट. एंड पेपर टू में मैं क्या करती थी कि पेपर वन की थियोरीज या थिंकर्स या कोई कॉन्सेप्ट है, मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट है, वो डालने की कोशिश करती थी. सो इससे क्या होता है ना कि एक होलिस्टिक पिक्चर, एक कॉम्प्रहेंसिव फॉर्म में आप सब्जेक्ट को जब रिलेट कर रहे हो तो एग्जामिनर माइट लाइक इट. सो ये चीज़. दूसरा, पेपर टाइम पे फिनिश कैसे करें, इस पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा. तो ये आपको आंसर राइटिंग से खुद पता लग जाएगा कि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी है. मैंने फर्स्ट टाइम जब लास्ट टाइम मेंस नहीं क्लियर किया था, तो मैं पहले 10 मार्कर्स करती थी, बाद में सेक्शंस करती थी. सो 10 मार्कर्स में ही मैं इतना समय खा जाती थी, दो दो पेज भर भर के लिखने में,
कि इधर मेरा सेक्शन छूट जाता है, सेक्शन ज़्यादा मार्क्स का है वो छूट जाता है. सो दिस टाइम व्हाट आई ट्राइड, आई डिड द सेक्शंस फर्स्ट देन द 10 मार्कर्स. तो 10 मार्कर्स डेढ़ पेज भी लिखा तो फाइन है, पेपर ना छूटे एटलीस्ट. सो दैट इज़ वन थिंग दैट पीपल कैन ट्राई. एंड ये सब एक तरफ, इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो नॉलेज से भी ऊपर है मेरी ओपिनियन में, आई डोंट नो अगेन, इज विजिबिलिटी. सो विजिबिलिटी इज लाइक एक्सट्रीमली 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 इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नॉलेज सबको है, सब ने सब कुछ लिखा है, लेकिन एग्जामिनर का मन भी तो करे आपका पेपर पढ़ने का. अगर वो रीड ही नहीं करेगा तो आप कुछ भी लिखो, फिर इट डज नॉट मैटर. सो आई फील कि ऐसा कुछ रहे, आपका विजिबिलिटी ऐसी रहे कि एग्जामिनर का मन करे उसको रीड करने के लिए. सो डोंट मेक योर पेपर डर्टी, एकदम गंदा मत करो. ओके फाइन, हैंड राइटिंग तो भाई अब बचपन से डेवलप होते आ गई है, जो है वो है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते. सो इफ़ यू कैन इम्प्रूव ऑन योर हैंड राइटिंग, वेल एंड गुड. इफ़ यू कैन नॉट, मेक श्योर इट इज़ लेजिबल फर्स्ट. सेकेंड, वर्क ऑन द स्पेसिंग, जो स्पेस होता है उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा के ऐसे करो कि वो रीड करने योग्य हो, ऐसा रहे, अंडरलाइनिंग थोड़ी हो जाए. पेन का चयन अच्छे से कर सकते हैं हम. सो इफ़ यू राइटिंग विद बॉल पेन, यूज़ जेल पेन, सी अगर उसमें राइटिंग अच्छे से आ रही है कि नहीं. सो ये सारी चीज़ें बहुत मस्ट है. मतलब विजिबिलिटी इन माई ओपिनियन इज़ अ मस्ट. आई नो अ नंबर ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको बहुत अच्छे से सब कुछ आता था, एंड प्रॉबेबली दे डिड नॉट हियर बिकॉज ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ देयर पेपर. सो यू हैव टू इंक्रीज द विजिबिलिटी बिकॉज इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन नेचर. जो सुंदर लगता है वही तो पढ़ेंगे, इतनी कॉपीज चेक करनी है कैसे पढ़ेंगे अगर अच्छे से नहीं, उसी में कचर कचर लिखा हुआ है. बाकी आई थिंक दैट्स अबाउट इट. एक्स फैक्टर लारे के लिए और वट कैन बी डन इज़ यू कैन इनकॉर्पोरेट मैप्स. जैसे मैं हिस्ट्री में मैप्स इनकॉर्पोरेट करती थी, तो जैसे परमानेंट सेटलमेंट वगैरह का क्वेश्चन आया तो एक 2 सेकेंड में मैप बन जाता है, उसमें दिखा दो परमानेंट सेटलमेंट, महलवारी, ये सब कहाँ पे है, या रिवोल्ट ऑफ 1857 के साइट्स कहाँ कहाँ थे, गोले बना बना के थोड़े से दिखा दो मैप में. मैप से रिलेटेड एक वीडियो भी पड़ा है यूट्यूब पे, हाउ टू मेक मैप ऑफ इंडिया इन 2 सेकेंड्स. सो दैट वीडियो यू कैन रेफर टू एंड मेक मैप ऑफ इंडिया. ज्योग्राफी में तो बनाना ही बनाना है, इसमें भी बन जाए तो अच्छा है. और क्वेश्चन कोशिश करें ना छोड़ें, मैंने छोड़ा, इस बार भी मेरे छूटा, तो आई गॉट 105. और बेटर हो सकता था अगर क्वेश्चन नहीं छूटते. सो क्वेश्चन ना छूटे इसके लिए कोशिश करें कि कुछ तो लिख ही दें. कुछ नहीं हो रहा ना तो गोला बना के, फ्लो चार्ट बना के, कॉजेस लिखा, 4-5 डंडी खींची और लिख दिया. डू समथिंग, राइट एनीथिंग, कुछ तो लिख ही दो, कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा. अगर आगे से इतने अच्छे हैं, लास्ट में किसी ने गोला बनाया तो मेरे को लगता है एग्जामिनर भी समझेगा कि टाइम कम था, लिख दिया एटलीस्ट इतना. सो अटेम्प्ट द पेपर वेल. आई थिंक या दैट्स अबाउट इट. एंड अदर देन दैट, योर फैमिली का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माई फैमिली हैज़ बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव ऑफ मी फॉर द रीज़न कि जब रिलेटिव्स क्वेश्चन करना शुरू करते हैं ना, ऐसे हमेशा बातें होती हैं कि दिल्ली में तो सब तैयारी करते हैं, एंड दैट इज़ द ट्रूथ ऑल्सो. हाउ मेनी ऑफ अस क्लियर, सब तैयारी कर रहे होते हैं. सो कौन जेन्युइनली तैयारी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, देन ये सब आपके पेरेंट्स को ये सारे प्रेशर्स झेलने पड़ते हैं. सो माई पेरेंट्स हैव बीन रियली सपोर्टिव इन द सेंस कि उन्होंने मेरे तक इतनी बात आने नहीं दी. तो मुझे पीयर प्रेशर बहुत फील होता था जब फ्रेंड्स क्लियर करते थे. आई वॉज नॉट ऑन फेसबुक फॉर द सेम रीज़न कि फेसबुक पे जब मैं देखती थी ना कि फ्रेंड्स जैसे अर्न कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं बहुत डीमोटिवेट होती थी. तो मैंने इसलिए हटा दिया. तो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, पीपल हु विल डीमोटिवेट यू, things that will demotivate you like Facebook, social media. If you feel that you are not comfortable with social media, you see the people और वो आपको एकदम negative direction में propel कर रहा है, तो leave it, leave it. 2-3 साल की मेहनत है, 2-3 क्या, एक अगर लग गया तो 1 साल की मेहनत है. For that time, let the people call you anti-social. I have a couple of friends who call me कि ऐसी क्या पढ़ाई कर रही है, कि मतलब मिलने नहीं आती, ये नहीं करती है, बनती है, all sorts of things. Let them say. बिकॉज ट्रस्ट मी वेन यू क्लियर, ये सारे लोग जो आपके बारे में बोल रहे होते हैं ना, दे आर द फर्स्ट वन टू कॉल यू एंड कंग्रेचुलेट यू. द वर्ल्ड इज दैट वे. सो रिमेंबर योर स्ट्रगल इज योर ओन एंड योर फैमिलीज ओनली. बाकी लोग तो बस ऐसे ही मजे लेने के लिए. सो डोंट फोकस कि लोग क्या कहते हैं. हो जाएगा, बहुत अचीवेबल है, कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डायरेक्शन हो, कन्विक्शन हो. सो एक डायरेक्शन लेके अपनी एक स्ट्रैटेजी बना दो, फिर इधर से उधर डोलो, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं. डू नॉट डू दैट. यू हैव मेड योर स्ट्रैटेजी ना, हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड यू विल अचीव इट नो मैटर वॉट. सो बार बार ये नहीं कि लास्ट मोमेंट अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं, वो ये बोल रहा है, वो. इतने लोग तो यहाँ पे बैठे यूपीएससी को प्रेडिक्ट करने में लगे हैं.
And let me tell you, nobody can. You just cannot predict UPSC. Nobody can. So stop predicting it. Start working. Make your own strategy. Stick to it. Do not listen to anybody. So that's my story. Okay, interview. I would say ki I'm a sort of person jisko bahut zyada stage fright hota hai, to mereko hamesha se clear tha ki main mains tak to chali jaungi, interview mein fail ho jaungi, kyunki bahut zyada nervousness hoti hai mujhe last limit ki. To interview ke liye main kafi scared thi aur main duniya jahan padh rahi thi us waqt, ye bhi padh lu, ye bhi padh lu, wo bhi padh lu. Last mein interview aisa gaya ki kuch padhne ka kuch fayda nahi, because the board, I got Bhosle sir's board, it was super cordial. That से ही था. ये प्रोसेस में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंटरव्यू ही एक ऐसा है जहाँ पे दे डोंट जज यू ऑन द क्वेश्चंस विच यू डोंट नो, दे जज यू ऑन द क्वेश्चंस द आंसर्स टू विच यू नो. सो आई डोंट नो इज ऑल्सो एन आंसर देयर. सो व्हेन यू से आई डोंट नो, वो नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं, वो उस पर तुम्हें जज ही नहीं कर रहा है. सो इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मॉक्स है, मॉक्स से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बट मॉक्स की भी सारी बातें दिल पे नहीं लेने के लिए. मैंने एक मॉक दिया था, उसमें रो के आई थी. मॉक के बीच में आई स्टार्टेड, दे स्टार्टेड आस्किंग वन ऑफ द पैनल मेंबर, ही स्टार्टेड ड्रिलिंग मी हर क्वेश्चन पे, एंड मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और मैं रोने लगी बीच में. लाइक सपोज, आई मीन दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एनीबडी. यू आर गोइंग टू गिव अ मॉक, यू आर आंसरिंग एंड यू आर क्राइंग मिड वे. सो एंड टू द एक्सटेंट आई वोंट name the coaching center or the panel member, but he told me that you need to go for cognitive behavioral therapy. Jao tum apna CBT karao, and we are not here to see your vulnerability. And to this extent, so I got really demotivated. Mujhe laga ki yaar, this is not my thing. Plus main jab bahut nervous hoti hu na, to mere thoughts bahut main acche se usko ek flow nahi de pati hu, तो मुझे लग रहा था कि सब बेकार होगा. बट ट्रस्ट मी, रियल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अलग ही होता है. मॉक्स वाले कुछ भी बोलें, कुछ नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जाओ कि आप अपने लिए प्रैक्टिस कर रहे हो. फीडबैक्स वो क्या दे रहे हैं, कुछ तो जेन्युइन होते हैं, वो ले लो, बट यू नीड नॉट टेक ऑल द फीडबैक्स सीरियसली, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट ना, तो आपका अपने से कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. तो बी कॉन्फिडेंट इंटरव्यू में. आई थिंक दे आर जजिंग यू फॉर योर पर्सनैलिटी, एंड अगर आप हम्बल हो, हम्बल एकदम ह्यूमिलिटी के साथ आंसर कर रहे हो, आई कॉन्टैक्ट थोड़ा मेंटेन कर रहे हो, थोड़े प्रेजेंटेबल होके जा रहे हो, एरोगेंस नहीं शो कर रहे हो, एंड फेयर आइडिया है चीज़ों का, वो तो हो ही जाएगा, तभी मेंस पास किया है, और तो कोई रीज़न नहीं है, और कैसे पास करोगे. तो नॉलेज तो नॉर्मल है ही, एक बैलेंस ऑफ जजमेंट दिखा पा रहे हो, बायस नहीं हो चीज़ों के प्रति, पर्सनैलिटी आपकी ऐसी नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेटिंग हो या वो हो. तो आई थिंक यू विल डू गुड, मतलब बिकॉज दे आर नॉट देयर टू जज यू ऑन योर नॉलेज, इट इज़ रिटन. वो इंटरव्यू की जो वो है ना, वो जो आया है गाइडलाइन, वही रीड कर लो. उसमें इट इज़ रिटन दैट दे आर नॉट देयर टू जज यू ऑन योर नॉलेज, सो दे वोंट बी जजिंग यू ऑन योर नॉलेज, दे विल बी जजिंग यू ऑन योर पर्सनैलिटी. सो इफ यू डोंट नो, से वेरी पोलाइटली, सर आई एम सॉरी आई डोंट नो, या सर आई विल गो एंड रीड इट. कुछ भी ऐसे बोल के खत्म करो, वो उस पर जज ही नहीं कर रहे आपको. जस्ट बी काम, जैसे आप बिगिनिंग में इंटरव्यू हॉल में एंटर कर रहे हो, वैसे ही बाहर निकलो. ऐसा ना रहे कि आई डोंट नो बोल रहे हैं तो ऐसे बोल रहे हैं सर आई डोंट नो, और जब आंसर कर रहे हैं तब बोल रहे हैं सर दिस 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 दिस. सो जिस शिद्दत से आंसर कर रहे हो, उसी शिद्दत से बोलो आई डोंट नो, दैट इज इट. सो आई थिंक ऑल दीज वर द थिंग्स दैट वर्कड फॉर मी, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरी वन, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी मच अचीवेबल.